वंदेहम श्री गुरु सुनिजुत पदकमलम श्री गुरु वैष्णवास श्री रूपम सागर जातम सर्वगुणातमितम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पदान सहगन ललिता श्री विशाखानितांस ओम ज्ञान तिमिरं धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः नामयं गुरुदेवाय धीमते सममूर्तये श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति प्रभवे श्री महात्मने नामयं विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायणेति नामिने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्ष औदार्य माधुर्य गुणैश युक्तम वरम वरण्यम पुरुषम महांतम नारायणम स्तम शिरसा नमामि नामयाम विष्णुपादाय आचार्य सिंह रूपिणे श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने अतिमर्थ चरित्राय स्वाश्रितानं च पालिने जीव दुखे सदात्राय ह्री नाम प्रेमदायिने नामयाम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने हरिभार्षभान विदेवी दयिताय कृपाद्वये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्य जल प्रेमाढ श्री रूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनतारिणे श्रीरूपानुगविरुधाव सिद्धांत दंतहारिणे नमः गौरकेश्वराय साक्षात वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बदे पादाम्बुजाय ते नमः नाम भक्तिविनदाय सचिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानु गवरायते गौराविर्भावमिष्टं निर्दिष्टा स्वजन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदेवी सत्यवतये नमो नमः जयतां सुरतौरुपंगोर् मम मंदमतिर्गति मत्सर्वस्वपादाम्भज श्रीराधा मदनमोहनो दिव्यत वृंदारण्य कल्पद्रुमाध श्रीमतरत्नागार सिंहासनस्थ श्री श्री राधा श्री लघुविंद देव पृष्ठलिभि सेवमान स्मरामि श्रीमान रासर सरंभि बंसी भट तटस्थित कर्षण वेणु सुनिर्गोपी गोपीनाथ श्रीअस्तु न वृंदाय तुलसी देवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रददेवी सत्यवतये नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरि अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरि हरि हरे राम हरे राम।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दवनल सम संसार दहनी दग्ध जीवकुल उधर तारणी, करुणा वारिद कृपा वारि धारी, वंदित गुरु शरण कमल नित गीत वाद हरि कीर्तने, रहे न मगन महामत मनि, रोमांच कंपासु हाय गौर प्रेमी, वंदिते गुरु चरण कमल सदरत जिनी, विग्रह सेवनी श्रृंगार विहार मंदिर मार्जनी, करेन निजुक्त अनुगत जनी, वंदिते गुरु चरण कमल सर्वसुशल पेयर समय, प्रसन्न कृष्ण अति स्वादो है, भक्त स्वादनी निज तृप्त रहे, वंदिते गुरु चरण कमल विराधा माधव नाम रूप गुनी, अनंत माधुर्य लीला स्वादनी, लोभ चित जिनी हन प्रतिसणी, वंदिते गुरु चरण कमल ब्रज युव द्वंद रति संवर्धनी, युक्ति कर सखी शनि वृंदावनी, अति दक्ष कहे प्रियतम गरी, वंदिते गुरु चरण कमल सर्वशास्त्रे गाए हरिहरि स्वरूप, भक्त गण भावे सही अनुरूप, किंतु जिनि प्रभु प्रियतम रूप, वंदिते गुरु चरण कमल जाहर प्रसादे कृष्ण कृपा पाए, जरा प्रसादे अन्य गति नाई, त्रिसंध्या कीर्तिर सब ध्यानी भाई, वंदिते गुरु चरण कमल गुरुदेवाष्टक अति यत्न करी, ब्राह्मी मूर्ति परे उच्च करी, वृंदावन नाथ साक्षात श्रीहरि, सेवा पाए से वस्तु सिद्धि का वंदिते गुरु चरण, गुरु जय गुरुदेव जय गुरु, वृंदावन वासी जात वैष्णव और
श्री कृष्ण चैतन्य आ
सत्करे मानी अनितैर करुणा वे ब्रज राधा कृष्ण पावे Yeah.
করে ভাই ত্রিভুবনে নাই হে মন দয়াল দাতা प्रभु जी को दे दो माइक पीछे दे दो 220 देते त्रिलोक सोकहार मुख में दो अन्न भक्त पंकज निकुंज भोगिलासिनी ब्रजेन्द्र भानु नंदिनी ब्रजेन्द्र सोन संगते सदा गई दशीय मम कृपा कटाक्ष भाजन अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रवाज वाल पल्लव प्रभा Bye.
रामेश्वरी रामेश्वरी
209 सुचारु भद्र मंगल सुकर्ण Thank you.
परमेश्वरता तदभितवाजित दुर्गा कनक नभिभाति सुनीतृत निधन मधुरी मकार ज्ञानतिमिरां तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन
तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांछाकल्पतरुभ्यः कृपा सिंधुभ्यः च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसीदेवै प्रियाय केशव सच कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवतै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रियाद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। हाँ, गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे कृष्ण जब मटकी फोड़ दिए मैया जसोदा कृष्ण को उखल में बांधने के लिए कोशिश कर रही हैं, लेकिन ब्रज का सारे रस्सी खत्म हो गई लेकिन उसमें दो अंगुल किसी तरह से पूरी नहीं पड़ रही। इतने में गोपियाँ खिली उड़ रही थी, बोले मैया विधाता ने तेरे लाला की ललाट में बंधन नहीं लिखा, उसको कैसे बांधोगे। बोले क्या मैं नहीं बांध सकती हूँ, ये मेरे कोख से जन्म लिया है, मैं तो बांध करके ही रहूँगी। लेकिन इस सवेरे से शाम हो गया लेकिन वो दो अंगुलों किसी तरह से पूरी नहीं पड़ रहा है। जब पूरी नहीं पड़ रही थी इतने में अभी तक मैया अपना चेष्टा से कोशिश कर रही थी बांधने के लिए, लेकिन कृष्ण बांधने में नहीं आ रहे थे। जब मैया ने देखा मैं बांध नहीं पा रही हूँ, फिर उन्होंने अपना जो गृह देवता जो नारायण उनको चरण में शरणापन्न हो गई। बोले ठाकुर जी इसका पीछे सबे से शांत हो गया, इसको मैं बांध नहीं पा रही हूँ, इसलिए तुम कृपा करो, देखो ये गोपियाँ खड़ी होकर मेरे को खिली उड़ा रही हैं, इसको तू कैसे बांधोगे। इसलिए मेरे तो लाज जो बच्चा, जब उन्होंने ठाकुर जी के चरण में शरणापन्न हो गई, कहते माता परिश्रमम दृष्ट्वा कृपया आसीत सबंधने, तब उन्होंने माँ की परिश्रम को देख करके उन्होंने उनके बंधन को उन्होंने स्वीकार किया है। इसलिए यहाँ पर हमारे टीकाकार लोग कहते हैं उसमें तीन अंगुल कम नहीं पड़ा, चार अंगुल नहीं, कितना कम पड़ रहा था, वो दो ही अंगुल कम पड़ रहा था। बोले इसमें दो अंगुलों क्यों कम पड़ रहा था, कहीं पर दो अंगुल क्यों पड़ रहा था, भल करके बारे में किसी, हाँ इसलिए सुन लो। इसलिए कहते यहाँ पर जो दो अंगुल है, एक तो मैया की चेष्टा है और दूसरा भगवान की कृपा है। कहते काम कब बनेगा है, इसलिए काम तभी बनेगा, मैया ने जब तक खुद कोशिश की बांधने के लिए तब तक बांध नहीं सकी। हम किस चीज़ को बांध सकते हैं, जो लिमिटेड हो जो सीमित वस्तु हो उसको तो बांध सकते हैं ना, लेकिन कृष्ण कौन है, अनंत है असीम है,
जिसका बाहर भी नहीं, जिसका भीतर भी नहीं है, अनंत असीम। तब फिर मैया साधारण रज्जु से उसको कैसे बांध सकते, बांध नहीं सकती। लेकिन भगवान बंध भी जाते हैं, लेकिन जब तक अपना चेष्टा की तब तक तो बांध नहीं सकी। लेकिन कब बंधन स्वीकार किया, जब माँ ने मन मन में ठाकुर का चरण में उन्होंने शरणागत हो गया, ठाकुर जी मेरे लाज को तू बच्चा, कहते माँ की परिश्रम को देख करके भगवान कृपा करके बंधन को स्वीकार किया। मान नहीं बांध दी, मान नहीं बांध पाई, भगवान ने खुद बंधन को स्वीकार किया है, हैं? इसलिए इसमें शिक्षा देते हैं, इसमें दो उदाहरण देकर समझाया। कहते एक बंदर न्याय और एक मार्जार न्याय। बंदर तो आप लोग देखते हो, यहाँ पर तो बंदर की कमी नहीं, बहुत बंदर है। अब देखना बंदर का जो बच्चा, उसको माँ बंदर को नहीं पकड़ता है, बंदर क्या करता है, माँ को ऐसे पकड़ करके रखता है और उसकी माँ यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ छलांग लगाती है। अगर बीच में बच्चा छोड़ दिया ना, उनका एक नियम है, फिर माँ बच्चे को नहीं उठाई, बोले तू जा, हाँ तू ऐसे नालाय की बच्चे तू पकड़ नहीं पाई, तू जा, हमारे कोई काम नहीं। इसलिए कहते यहाँ पर है ये दूसरा है मार्जार। मार्जार मतलब होता है बिल्ली, हैं? आप लोग बिल्ली तो घर में देखे होंगे, देखना बिल्ली का जो बच्चा होता है ना, वो बच्चा कुछ नहीं करता है, माँ क्या करती है, मुंह में पकड़ करके यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, दस बार उसको घुमाते रहती है। कौन घुमाते रहती है, माँ। हाँ, इसलिए यहाँ पर दो उदाहरण दिया, जो बंदर न्याय उसको अच्छी तरह समझो। जो बंदर न्याय मतलब है, जब कोई साधक कोशिश करेगा, भगवान मिलेंगे नहीं कैसे, हैं? भगवान को पा करके मैं ही रहूँगा, जरूर हम ठाकुर जी को प्राप्त करेंगे। जैसे बंदर का बच्चा जोर कर पकड़ रखता है, कभी ये हो गया बंदर न्याय। दूसरा न्याय है बिल्ली। बिल्ली न्याय मतलब क्या है, अरे कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, अरे ठाकुर की इच्छा के बगैर कि पता भी नहीं हिलता है, हम क्या कर सकते, हमसे कुछ नहीं हो सकता। कुछ ऐसे लोग हैं जो निठल निकम्मे लोग होते हैं, हैं? एक जगह जो होगा ठाकुर की इच्छा से होगा, हैं? कुछ कुछ करने का जरूरत नहीं, ऐसे एक तरह का लोग होते हैं। बोले नहीं, ये दो जो दोनों काम है ना, नहीं बनेगा, ये अपना चेष्टा से भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और बिल्ली के न्याय जब होगा होगा, चेष्टा करके क्या होगा, इसका द्वारा भी काम नहीं बनेगा, दोनों ही फैल है। फिर क्या करना पड़ेगा, बोले ये दोनों को मिला लो, दोनों को मिला लो, फिर काम बनेगा। हाँ, चेष्टा करना ही पड़ेगा। जैसे आप लोग मंगला आरती में आने के लिए कितने बजे उठते हो, कम से कम 4:30 बजे तो उठ जाते होंगे, हैं? 4 बजे उठते हो, हाँ 4 बजे उठते हो, नहा धो करके तिलक लगा करके फिर यहाँ पहुँचते पहुँचते 5 बज जाती है। देखो 4 बजे कोशिश करते हो उठने के लिए, नहा धोते हो, तभी तो यहाँ पर आते हो ना, तभी तो आते हो, हैं? तभी तो यहाँ पर आते हो। अगर ये हो गया बंदर न्याय, हाँ हम ठाकुर जी की आरती दर्शन करने के लिए जाएंगे, हैं? ठाकुर जी का आरती दर्शन करने के लिए जाएंगे, इसलिए तभी तो यहाँ आरती में पहुँचते हो, नहीं तो आरती में नहीं आ सकती हो। हाँ, इसलिए कहते भाई चेष्टा करना पड़ेगा, चेष्टा के बगैर कुछ नहीं होता है। खाना अगर सामने बोले कि नहीं मुंह में आ जाएगा तो खा लेंगे, थोड़ी आ जाएगा, तुमको हाथ लेना ही पड़ेगा। तुम मार्केट जाते हो, सब्जी खरीदी करते हो, रसोई बनाती हो, ठाकुर को भोग लगा तभी जाकर खाना खाती हो, तभी जाकर के खाना खाती हो। इसलिए ये हो गया बंदर न्याय, मतलब चेष्टा तुमको करना पड़ेगा। लेकिन वो चेष्टा कब फलीभूत होगा, मार्जार न्याय, बिल्ली न्याय। बिल्ली न्याय मतलब होता है, हाँ हम तो चेष्टा कर सकते हैं ठाकुर का आरती को जाने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन जब तक ठाकुर का कृपा नहीं होगा तब तक उनका उनका मंगल आरती में नहीं आ सकते। अगर हठात कोई घर में कोई गड़बड़ी हो गया फिर आ सकते हो कि आरती में नहीं आ सकते, इच्छा चाहने पर भी नहीं आ सकते हो। इसलिए हमको चेष्टा करना ही पड़ेगा, बगैर चेष्टा से काम नहीं चलेगी, चेष्टा करना पड़ेगा। लेकिन वो चेष्टा कैसे होनी चाहिए, मार्जार न्याय, ठाकुर जी जब तक आपकी कृपा नहीं होगा तब तक आपको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, आपकी भक्ति हम नहीं कर सकते हैं, हैं? इसलिए कहती है मार्जार न्याय। कहती जब ये दोनों काम बनेगा ना, बस काम हो जाएगा,
शरणागति युक्त हो करके साधन भजन हमें करनी चाहिए, तभी जाकर काम फलीभूत होएगा, नहीं तो फलीभूत नहीं होगा। जैसे आप लोग मंगला आरती में आते हो, कष्ट करते हो, ठाकुर के पास में सब लिख रहा है, कार्तिक महीना में राधा गोविंद गौड़ी मठ में हैं, अमुक अमुक दिन आप लोग ने आरती में आए हो, वो सब लिख रहा है। जो ऊपर जाओ ना, सब रजिस्टर खुलेगा, कार्तिक महीना में पूरा पूरा आए, और जो सो रहे हैं उनका भी रजिस्टर खुलेगा। कौन सो रहे हैं, कौन सो रहे हैं, कौन आरती में आ रहे हैं, उनका सब रजिस्टर खुलेगा। इसलिए चेष्टा हमें करनी चाहिए, बगैर चेष्टा से कुछ नहीं होता है। और ये मानव शरीर ही ऐसे के जीवन है, हैं, जिस चेष्टा हम चेष्टा कर सकते हैं। जिनको भगवान जानवर जीवन दे दिया, पशु की जन्म दे दिया, देने पर भी वो क्या आरती में आ सकते हैं? नहीं आ सकते हैं, वो आरती दर्शन नहीं कर सकते, कथा बैठ कर नहीं सुन सकते हैं, केवल इंसान ही बैठ कर कथा सुन सकते हैं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए रोज मंगला आरती में आए, कथा में आए, हैं, कथा सुने। जब ये परिश्रम देखेंगे ना, ठाकुर जी देखेंगे, देखो इसी सब सवेरे सवेरे सबसे ज़्यादा नींद आती है, देखना सवेरे ज़्यादा सबसे ज़्यादा नींद सवेरे आती है। अगर ठंडगा समय रजाई उड़ कर सो रहे हो, किसकी इच्छा होगी रजाई को निकालने के लिए? नहीं इच्छा होगी, बोले और थोड़ा सो जाए, हैं, और थोड़ा सो जाए। लेकिन जो भगवान की भक्ति करते, नहीं ठाकुर जी को आरती करना है, हैं, इसलिए रजाई रहने पर भी उसको फेंक देते, नहीं जाओ अभी स्नान करना, तिलक करना, अनी करना, ठाकुर जी की पूजा सेवा करना है। हाँ, अगर ये साधन, अगर हम एक जीवन में अगर ये साधन को हम अच्छे तरह से पक्के कर लेना, एक जीवन अगर शरीर को रगड़ करके अगर साधन कर लोगे ना, फिर तो तुम्हारी जो जन्म जन्मांतर तक कद एतावत जन्म सफल्यम देहि नाम इह देहि सुखम प्राण ही अर्थ ही धिया वाचा श्रेय आचरण सदा। ये श्लोक में भागवत में कह रहे हैं, केवल एक जीवन को रगड़ करके भगवान की सेवा में लगा लो, आरती में आओ, कथा सुनो, भगवान की कीर्तन करो, हैं, इसको द्वारा एक संस्कार बन रहे हैं। यही संस्कार बनते बनते ये संस्कार जब दृढ़ रूप धारण करेगा ना, बस ठाकुर प्राप्ति हो जाएंगे, भगवत प्राप्ति हो जाएंगे, हैं। इसलिए रोज कोशिश करना मंगला आरती में आए, कथा सुने, कीर्तन सुने, हैं। कितने बजे यहाँ आए थे? 5 बजे करके 5 बजे आए थे। यहाँ से कितने बजे जाओगे? 7 बजे जाओगे, 2 घंटा। फिर कितने बजे उठे थे? 4 बजे। इसलिए 4 बजे से तुम्हारे दिमाग में क्या है? ठाकुर जी का आरती में जाएंगे, ठाकुर जी का आरती में जाएंगे, ठाकुर जी को आरती में जाएंगे। 4 से लेकर 7 तक तुम्हारे दिमाग केवल भगवान की चिंतन में। फिर यहाँ से जब चले जाओ घर गृहस्थ में लग जाओगे, हैं, फिर घर गृहस्थ में लग जाओगे। लेकिन जो 3 घंटा तुमने जब सवेरे किया ना, पहले पहले घड़ी होता था, उसमें अगर चाबी दे दो ना एक बार, उसके एक बार चाबी दे दो, फिर 24 घंटे काम करता है ना, फिर 2 बार फिर उसमें चाबी देना पड़ता। ये जो सवेरे आती हो, ये तुम्हारी चाबी देना हो गया। ये जो 3 घंटा तुम कृष्ण चिंतन की, फिर यहाँ से भी जाकर ठाकुर को भोग लगाओगे, ठाकुर जी को रोसोई बनाओगे, हैं। इसलिए भक्तों का जीवन पूरा भक्ति भक्तिमय है। इसलिए कोशिश करना पूरा पूरा रोज आओ, रोज कथा सुनो, रोज कीर्तन करो, बस एक जीवन तुम्हें ऐसे कर लो, बस जन्म जन्मांतर शास्त्र कहता है जन्म जन्मांतर तुम्हारी सुधर जाएगी। फिर माँ की पेट में तुम्हें आना नहीं पड़ेगा, सीधा ठाकुर के पास में ले जाओगे, ठाकुर जी के पास में। इसलिए रोज कोशिश करना मंगला आरती में आए, कथा सुने, कीर्तन करे, फिर उसके बाद में दिन भर काम करो और शाम को फिर आ जाओ, हैं, जब शाम को, ठीक है। इसलिए कहती ये दोनों जब मिलेगा ना, फिर जाकर काम होगा। हमको चेष्टा करनी चाहिए, और चेष्टा कैसे होगी? शरणागत युक्त हो करके हमें चेष्टा करना पड़ेगा, फिर तो जाकर ये फलीभूत होता है, हैं, फिर जाकर ठाकुर जी कृपा करते हैं ठाकुर जी। इसलिए मैया ने कृष्ण को बांध दिया, जब कृष्ण को बांध दिया इतने में बोले तेरे पीछे सवेरे से लेकर शाम तक हो गया, सारे घर का काम काज पड़ा हुआ है, इसलिए अभी तू बंदे पड़े रहो, अभी मैं घर का काम करती हूँ। मैया ने घर में जाकर काम की, जब काम की, कृष्ण का सखा लोग आगे, बोले कन्हा तू भी आज बंधन में पड़ेगी? बोले हाँ, पता नहीं सवेरे उठकर किसका मुंह मैंने देखा था, आज मैया ने मेरे को बांध दिया। बोले सखाओ एक काम करो, खोलो, हैं, खोलो, फिर हम जाकर खेलेंगे। सखाओ ने कोशिश किया उसको गांठ को खोलने के लिए, लेकिन खोल नहीं सके। बोले क्यों नहीं खोल सके?
बोले यहाँ पर जो गांठ पड़ी है ना, भगवान को थोड़ी कोई बांध सकते हैं, वो उनका प्रेम ही भगवान को बांध सकते हैं। इसलिए पांच रस है। कितना रस है? क्या क्या? पहला नंबर शांत रस है, उसको बाद में दास्य रस है, उसको बाद में सख्य, उसको बाद में वात्सल्य, उसको बाद में माधुर्य रस। इसलिए कहते शांत रस से कहते दास्य रस श्रेष्ठ है, दास्य रस से ये सख्य रस श्रेष्ठ है, सख्य रस से ये वात्सल्य रस श्रेष्ठ है। अभी उनको किसने बांधा? माँ ने उनको वात्सल्य रस ने बांधा, लेकिन उससे नीचे ये सख्य रस है, सख्य रस उसकी नीचे। इसलिए तब उनको खोलेंगे कैसे? वो खोल नहीं सके। एक सखा खोलने के लिए कोशिश कर, खोल नहीं पा रहा है, दूसरा सखा कर धक्का मार दे, तेरे को खोलना नहीं आता, मैं खोलता हूँ, उसको धक्का मारता है, लेकिन वो भी नहीं खोल पाता है। फिर तीसरा सखा आता है, आकर उसको धक्का मारता है, बोले तेरे को खोलना नहीं आता है। फिर चौथा सखा आता है, उसको धक्का मारे, तेरे को खोलना नहीं आता। करते 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 सारे समय उन्होंने बिता दिया, लेकिन वो गांठ को खोल नहीं सके। क्यों? वो गांठ वात्सल्य रस की गांठ, और उसको अभी सख्य रस उसको खोलना चाह रही, इसलिए उसको खोल नहीं सके। जब वो खोल नहीं सके, इतने में कृष्ण सामने देखा दो वृक्ष है, एक जमला अर्जुन वृक्ष, जमज वृक्ष और अर्जुन वृक्ष, दो वृक्ष है। कहते ये जो दो वृक्ष के, तो स्वर्ग के जो कुबेर का दो बेटे थे, नल कुबेर और मुनिगिरि, एक समय ये शंकर जी की एक बगीचा थी, वो शंकर जी की बगीचा में शंकर जी की बगीचा को ये रखवाली कर रही थी। क्यों? कुबेर जो हुआ है, पहले एक बार मैंने कथा सुनाया था आपको, ये शंकर जी की कृपा से ही कुबेर को ये कुबेर पद मिला है। इसलिए उन्होंने अपना दोनों बेटे को ये जो शंकर जी की बगीचा को रखवाली के लिए उसको रखे थे। लेकिन एक समय वो दोनों शराब पी करके और स्वर्ग के अवसरियों को लेकर करके और एकदम विवस्त्र होकर के जल विहार कर रहे थे, हैं? जब जल विहार कर रहे थे, कहते देखो यहाँ पर विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं, अगर ज्यादा पैसा हो ना, वहाँ पर दो चीज हर समय चलती रहेगी, एक तो शराब और मांस, फिर लड़की, हैं? जहाँ ये जो पैसा, इसमें कली का निवास है ना, जहाँ ज़्यादा पैसा होगा वहाँ पर ये सब गंदी चीज वहीं पर चलती रहती है, हैं? गंदी चीज वहीं पर, सारी गंदी चीज वहीं पर, जुआ सट्टा सब वैश्यावृत्ति सारे जहाँ पर ज़्यादा पैसा, क्योंकि उसमें कली का निवास। लेकिन पैसा अगर हमारा पास में है, लेकिन अगर हम उसको भगवान की सेवा में, ठाकुर जी को सेवा में लगा रहे हैं, समझो ये ठाकुर का बड़ी आशीर्वाद है हमारे ऊपर में। हम लोग बिगड़े नहीं, बच्चे लोग नहीं बिगड़े, लेकिन अक्सर करके उनकी बच्चे बिगड़ते हैं जिसका पिता ज़्यादा पैसा रख करके जाते हैं। अगर बच्चों को अगर भक्ति में डाल दिया, फिर तो वो पैसा सदप्रयोग में जाएगा, भगवान की सेवा में जाएगा। अगर भक्ति में नहीं लगाया तो वो बच्चे बिगड़ेंगे ही। क्यों? उसको पता नहीं पिता ने कितना कष्ट करके पैसा कमाया, उसको तो लगेगा तो ऊपर से सारे पैसा हमको मिल गए, हैं? इसलिए क्या करनी चाहिए? साधु संग में आओ, भक्ति करो, भजन करो, और बच्चों को भी लाया करो, बच्चों को भी साथ में लाया करो, बच्चों को भी संस्कार, भक्ति में बच्चों का भी संस्कार पड़े, आगे बच्चे जा कर के नहीं बिगड़े। इसलिए कुबेर का बच्चे है ना, इसलिए गंध काम कर रहे। इतने में नारद जी उधर से जा रहे थे, जब जा रहे थे, जब देखा नारद जी आ रहे ना, ये दोनों को तो बड़ा क्रोध आया। लेकिन जो अप्सरियाँ थी पानी से निकल गई और अपना शरीर में कपड़े को लपेट करके पेड़ को आड़ में खड़ी हो गई। लेकिन ये जो दोनों थे ना, शराब पी रखे थे ना, ज्ञान नहीं रहता है शराब पीने पर, है उनको लाल लाल आग से देख रहे थे। बोले बाबा, हैं? कोई बुद्धि विवेक है ही नहीं, हैं? रास्ता इधर ही मिला तेरे को, और कोई रास्ता नहीं मिला, हैं? तो इधर ही हमारे रंग में भंग डाल दिया तूने, हैं? इसलिए जब उन्होंने देखा, नारद जी ने देखा, कहाँ स्वर्ग के कुबेर का संतान है, इतने उच्चे कुल में, और तू ये गंदे काम कर रहे हो, अभी तुम्हारी सारे नशा उचार देता हूँ। इसलिए नारद जी दोनों को अभिशाप दिया, जैसे वृक्ष जैसे नंगे रहते हैं, हैं? संतों को देख करके बड़ी भाग्य होता है जो संत दर्शन मिलता है। संत आ गए तो आग फाड़ फाड़ कर देख रहे हो, ऐसे नंगे ये वृक्ष जन्म प्राप्त होकर नंगे होकर खड़े रहोगे। जब उन्होंने अभिशाप दिया है ना,
वो अभिशाप देते ही वो जड़ से ही धीरे 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 पेड़ बनना शुरू हो गया। हे सारे नशा उतर गई, क्योंकि जो वृक्ष जन्म है ना कठिन जन्म है, बारिश में खड़ा रहना पड़ेगा, कोई टहनियाँ काट देगा हैं, फिर धूप में किससे पानी नहीं मांग सकते हो, छाती फटते रहेगा लेकिन पानी नहीं मांग सकते हो, कितना बड़ा कठिन जीवन ये वृक्ष जीवन है। भले पेड़ होकर खड़ा रहना पड़ेगा, सारे नशा उसकी उतर गया, सारे नशा उतर गया। फिर उन्होंने निकल करके आए, माफ़ी मांगी, बोले बाबा हमारी अपराध हो गया, माफ़ कर दो। संत बड़े दयालु बड़े कृपालु है, पर बोले ठीक है तुम वृक्ष जन्म तो प्राप्त करोगे, लेकिन कहाँ प्राप्त करोगे, गोकुल में प्राप्त करोगे, जहाँ पर कृष्ण, ये सत्य जो की कथा है। लेकिन कितना दिन तक पेड़ जन्म बने, सत्य से लेकर के द्वापर का लास्ट तक उनको ये वृक्ष जन्म लेना पड़ा। बोले जब कृष्ण आएंगे उनके चरण स्पर्श से उद्धार होगा। यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की अच्छी बात कहते हैं, जैसे नारद जी जा रहे थे तो भैया वो जल में नंगे होकर शराब पी करके जल बिहार, उनको छोड़ो ना, फिर आपको ये अभिशाप देने का क्या जरूरत है, आप अपना रास्ता में जाओ, भले ही आपको देख कर क्रोधित हो रहे हैं, आपको क्या बोलने का जरूरत, क्या अभिशाप देने का जरूरत, आप जाओ ना अपना रास्ता, आप देखो वो अपना रास्ता देखे। फिर नारद जी को अभिशाप देने का क्या जरूरत था। तो यहाँ पर शिक्षा देते हैं, उदाहरण दिया, जैसे आज कोई तिथि हो, माता जी ने बहुत बढ़िया खीर बनाया, नहीं तो बहुत सुंदर केक, बहुत अच्छा शाही पनीर मटर पनीर बढ़िया सब्जी बनाया, लेकिन बच्चा आकर के सो गया, लेकिन माँ ने बढ़िया बढ़िया चीज़ आज खाना बनाया जो बच्चे को बड़ा प्यारा है, तो मैया क्या करेगी, अगर बच्चा सो गया होगा ना, माँ क्या करेगी, उसको चिमटी काट करके ना बारम्बार उसको धक्का मार मारे उठाएगी, बच्चा उठ जा भोजन कर, बच्चा उठेगा नहीं, तभी माँ क्या करेगी, उसको जोर जबरदस्ती उठाएगी, क्यों, आज अच्छा दिन है, बढ़िया खाना बनाए, मेरे बच्चों को ये खाना बहुत अच्छा लगता है, खा कर खुश हो जाएगा मेरे लाला, इसलिए माँ उसको जोर जबरदस्ती उसको हैं उसको चिमटी काट करके उसका क्या करके उसको बारम्बार उठाएगी। कहते उसी तरह यहाँ पर श्री नारद जी कहते इनको पर मैं कृपा करना चाहते, अभिशाप नहीं, इनको पर कृपा करना चाहते, क्या कृपा करना चाह रहे थे। नारद जी ने देखा कहाँ स्वर्ग के कुबेर के संतान तू हो, कुबेर भक्त हैं भगवान का, और उनके तुम संतान हो, कहाँ तुम दोनों को कृष्ण भक्ति रस का पान करनी चाहिए, और कहाँ तू शराब पी करके लड़की को लेकर के जल विहार कर रहे हो। इसलिए नारद जी उनको भक्ति रस पान कराना चाह रहे हैं, हैं? भक्ति रस पान करना चाह रहे थे, इसलिए भगवान ने नारद जी क्या किया, उनको अभिशाप, अभिशाप नहीं कृपा है। अब देखना कहीं भी संत लोग किसको अभिशाप दिया है ना, कहते बड़े बड़े साधन से जो वस्तु प्राप्त नहीं हो सकता है, उनको अभिशाप से वो वस्तु प्राप्त हो गया, अभिशाप से प्राप्त हो गया। अभी देखो ये वृक्ष जन्म हुए कहाँ हुए, गोकुल में हुए, कृष्ण का लीलाओं को दर्शन किया है, कृष्ण का बचपन का सारे लीला, अब वृक्ष जन्म पा करके किसको याद कर रहे हैं, कृष्ण कब आएंगे, कृष्ण कब आएंगे, नारद बोले ना कृष्ण आएंगे, कृष्ण आएंगे, कृष्ण आएंगे, कब आएंगे कृष्ण, कृष्ण चिंता में वृक्ष बने, और लास्ट में कृष्ण का चरण स्पर्श भी मिला, और लास्ट में कृष्ण दर्शन भी मिला, कृष्ण को परिक्रमा भी किया, भगवान को उन्होंने प्रणाम भी किया, उनको स्तुति भी किया, भगवान को स्तुति करते हुए फिर लास्ट में क्या हुआ, फिर उनको भगवत प्राप्ति हुई। कहाँ, भले उनको गोलोक वृंदावन में हैं, उनको दो स्वरूप की प्राप्ति हुई, एक स्वरूप में तो स्वर्ग में गए नल कुबेर और मुनिगिरि होकर के, दूसरे स्वरूप में गोलोक वृंदावन में इनका मधुकंठ और सिद्धकंठ हैं, श्री गोपाल चंपू में श्री जीव गोस्वामी वर्णना कर मधुकंठ और सिद्धकंठ होकर के, कहते एक तो सवेरे जब भगवान जैसे यहाँ पर बैठे हैं ना, रोज गोलोक वृंदावन में यही होता है, जैसे मंगलारती हो गया ठाकुर जी की, बाद में सारे ब्रजवासी बैठते, सारे ब्रजवासी वहाँ सभा लगती है, और ये मधुकंठ क्या करता है, कृष्ण का जो बाल्य चरित्र है, कृष्ण की जैसे हम कृष्ण की कथा सुन रहे हैं, वहाँ पर भी बैठ करके कथा सुनते हैं, अरे शाम को सिद्धकंठ जब वहाँ पर ऐसे सभा लगती है राधा कृष्ण की कथा, सवेरे कृष्ण की बाल्य चरित्र और शाम को कृष्ण की राधा कृष्ण की कथा, शाम को चर्चा होती है वहाँ पर। देखो जो शांति है ना केवल ठाकुर की कथा में और किसी में नहीं,
जितना समय तक यहाँ बैठो, घर का जो हाय हाय है इसे बचे हुए रहते हैं, घर से, घर का जो हाय हाय से ये बचे हुए रहते हो, जितना समय यहाँ रहते हो, और यहाँ से गेट गेट से पार हो, घर में जाने पर ये दिक्कत, घर में ये समस्या, घर में ये होने वाले, घर में बच्चा ये होगा, पति को साथ में लड़ाई, बच्चा बात नहीं सुनेगा, बहू को साथ में लड़ाई, बहू बात नहीं सुनती है, जब से शादी हुआ पता नहीं बहू ने बच्चा का क्या दिमाग गड़बड़ कर दिया, और बहू बेटा बात नहीं सुनता है। आप देख रहे हैं ये गेट पार होते ही ना दिमाग में केवल यही चीज घूमेगी तुम्हारी, और जब तक यहाँ पर बैठे हो ना अब तो कोई चिंता है नहीं। इसलिए देखो वो जो गोलोक वृंदावन का ना ये परछाई है, यही परछाई है गोलोक वृंदावन में। प्रभुपाद यही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मैंने गोलोक वृंदावन को ही यहाँ पर, ये जो गौड़ीय मठ नहीं, ये गोलोक वृंदावन का राधा रानी का निकुंज मंदिर को मैंने यहाँ उतारा है, हैं, निकुंज मंदिर को यहाँ पर मैंने उतारा। गोलोक वृंदावन में यही होती है, सवेरे भी वहाँ पर कृष्ण कथा होती है और शाम को भी कृष्ण कथा होती है, यहाँ जो वहाँ पर वही हो रहा है। इसलिए प्रभुपाद ने इस व्यवस्था को, प्रभुपाद ने इस व्यवस्था को की है। इधर क्या हुआ, कृष्ण जब नारद जी बोले थे कृष्ण के चरण स्पर्श से सुधार होगा, नारद जी भक्त उनकी वाक्य रक्षा करने के लिए कृष्ण सखाओं को बोले, सखाओ एक काम करो, उखल को पीछे से धीरे से धक्का मारो। सखा लोग को धक्का मारे, कृष्ण गुठन पर चलते चलते दोनों वृक्षों के बीच में होते हुए जब निकल गए, उखल अटक गई, कृष्ण थोड़ी सी ताकत लगाया, ताकत लगाया तो दोनों जो वृक्ष थे धड़ांग करके गिरी, और उस सत्यजीव का वृक्ष था विशाल वृक्ष है, जब दोनों तरफ में वृक्ष गिरे इतने जोर से आवाज हुई जैसे कहीं वज्र कहीं गिरा, इतनी जोर से सारे ब्रजवासी घर से बाहर निकल गए, ये कहाँ पर, यहाँ पर बारिश आंधी तूफान ही नहीं, वज्र कहाँ से गिरा, इतना आवाज जोर से कहाँ से आई। नल कुबेर दोनों निकल करके परिक्रमा करते हुए बोले, ठाकुर जी जैसे ये दोनों हाथ तुम्हारी और तुम्हारे भक्तों की सेवा में लगे, जैसे ये वाणी तुम्हारी कथा में लगे, जैसे ये सर को हम संत देखते ही प्रणाम करें, क्यों आज हमें वृक्ष क्यों बनना पड़ा, अगर नारद जी को देख करके प्रणाम कर लेते तो फिर अभिशाप थोड़ी देते, हमने ये सर नहीं झुकाया संतों के चरण में, इसलिए आज हमें ये दुर्गति की प्राप्ति हुई, जैसे संतों दर्शन करते ही जैसे ये सर जैसे संतों के चरण में झुक जाए संतों के चरण में, इसलिए बड़े सुंदर उन्हें स्तुति करते हुए दक्षिणी दिशा में चले गए। जब चले गए ना सारे ब्रजवासी वहाँ इकट्ठे हो गए, बोले क्या हुआ क्या हुआ, सारे इकट्ठे हो गए। इतने में नंद बाबा भागते भागते आकर के देखा कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच में फंसे पड़े हुए, थोड़ी सी अगर इधर उधर होता है ना, जैसे वृक्ष कृष्ण ऐसे दोनों वृक्ष दोनों तरफ में ऐसे गिरे, भगवान है इसलिए दोनों वृक्ष ऐसे गिरे, लेकिन कृष्ण को कुछ हुआ नहीं। नंद बाबा सोच रहे हैं ये नारायण की कृपा से ही मेरे लाला बच गया, अगर थोड़ी वृक्ष अगर टेढ़े मेढ़े होकर गिरता तो मेरे लाला का राम नाम सत्य हो जाता। नंद बाबा आए आकर के जल्दी जल्दी उन्होंने उखल उन्होंने खोल दिया। नंद बाबा क्यों खोल दिए, क्योंकि उनको किसने बांधा था, माँ, ये मैया कौन सा रस है, बात्सल्य रस है, इसलिए बात्सल्य रस में बंधे हुए थे, और उनको बात्सल रस नहीं तो उनका जो श्रेष्ठ रस श्रृंगार रस वही रस ही खोल सकता है, उसका नीचा रस नहीं खोल सकते, इसलिए सखा लोग खोल नहीं पाए। इतने में नंद बाबा जल्दी जल्दी खोल दिए, खोल करके पकेट से एक लड्डू है, पकेट से गुड़ का एक लड्डू निकाले, निकाल कर कृष्ण को दे दिया। देखो एक बच्चों का एक स्वभाव क्या, अगर माँ ने खूब पिटाई की बड़े शासन की है, अगर बाबा आकर थोड़ी स्नेह करने लग जाए ना प्यार, फिर बच्चे रोने लग जाते हैं, बच्चे रोने लग जाते हैं। अभी तक तो कृष्ण सखाओं के साथ में खेल रहे थे, ये कर रहे थे, लेकिन जब बाबा ने आकर के रस्सी खोल दिया, लड्डू निकाल कर दे दिया ना, इतने में कृष्ण तो फूट फूट करके रोने लग गए। इतने में नंद बाबा ने पूछा तेरे को बांधा किसने, बोले माँ, बोले खोला किसने, बोले बाबा, बोले खूब माँ 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 करते रहते हो, बोले बताओ अभी किसको पास में रहोगे, बोले बाबा को पास में रहूँगा, मैया मेरे को मारती रहती, बाबा मेरे को बड़ा प्यार करते हैं, अभी मैं बाबा को पास में रहूँगा। इतने में मैया आ गई, सारे ब्रजवासी आ गए, मैया आ गई तो नंद बाबा ने बड़े डांट लगाए, अरे एक दो मटकी तो फोड़ा होगा और तो कुछ नहीं, और इतना बड़ा दंड उसको उखल में बांध दिया,
कैसे लाला तो बच गया कैसे नारायण की कृपा से, दोनों वृक्ष यही से गिरे, अगर थोड़ी सी इधर उधर गिरे तो लाला का राम नाम सत्य हो जाता। एक लाला को पाने के लिए कितने व्रत, कितने तपस्या, कितने किया, तभी जाकर के कृष्ण ये बुढ़ापा में हमारी बच्चा हुआ। लगता है तेरे को मक्खन दही ये मटकी का प्रति बड़ी आसक्ति, तू इसको लेकर रहा कर, मैं तो ये दो बच्चों को लेकर के मैं जा रहा हूँ, मैं इनको लेकर तीर्थ में जा रहा हूँ। जब इतना बोले मैया, इतने दुखी हो गई मैया, बोले मेरे हाथ में कुष्ठ व्याधि क्यों नहीं हो गया, इन्हीं हाथों से लाला को मैंने बांध कैसे दिया। मैया जाकर बैठ बैठ कर रो रही, मैंने आज बहुत गलती किया, अपने आप को खूब गाली दे रही थी, नंद बाबा दोनों कृष्ण बलराम को लेकर गए, धारस न दूध, गैया का दूध निकालो ना एकदम गर्म गर्म रहता है, उसमें मिश्री मिलाकर बड़ा पुष्टिकारक होता है, गर्म करने पर उसका जो कुछ अंश खत्म हो जाती है, लेकिन एकदम गैया का दूध निकल रहे वो गर्म गर्म होता है, उसको पियो, हाँ बड़ा टेस्ट है और बड़ा शरीर के लिए सबसे ज़्यादा हेल्थकारी है, इसलिए उसमें मिश्री मिला, कभी पिए हो? कभी पिए नहीं, इसलिए हम लोग पिए हैं बचपन में, हाँ इसलिए उसमें मिश्री मिला करके है कृष्ण बलराम को पिला दिया। इतने में दोनों को लेकर ब्रह्मांड घाट में गई, दोनों बच्चे को स्नान कराया, हाँ नंद बाबा बोले मैं तो दोनों को लेकर तीर्थ जा रहा हूँ बोले थे, फिर वापस आए, फिर घर के कोने में बैठी गई, मैया एक कोने में बैठी और नंद बाबा कृष्ण बलराम को लेकर एक कोने में बैठी, घर में लड़ाई हो गई, तो घर में लड़ाई हो गई। अभी लड़ाई को शांत तो कौन करेगा, अगर कोई तीसरी व्यक्ति हो वो शांत कर सकता है, इसलिए तीसरी व्यक्ति कौन, बोले बलदेव प्रभु का माँ रोहिणी, ये तीसरी व्यक्ति है। सोचा अगर कृष्ण को किसी तरह से नंद बाबा से लेकर के माँ की गोद में छोड़ देना, घर का झगड़ा खत्म हो जाएगा। इतने में उन्होंने दाऊ भैया को बोले, दाऊ ये काम करो, जाओ कान्हा को लेकर के बाबा जी की गोद में उठाकर माँ की गोद में छोड़ दे। इतने में दाऊ भैया गए कन्या का हाथ, बोले लाला कान्हा चल माँ को पास में चल। लेकिन कृष्ण तो सवेरे से बड़े क्रोध में है, भैया मेरे को बांध दिए हैं, बांध दिए बड़े क्रोध में। जब उन्होंने हाथ पकड़े ना कृष्ण, इस हाथ को मारे, मारते ही बलदेव प्रभु तो गिर पड़े। इतने में मैया ने बोले, अर्थ बड़ा क्रोध है, बोले लाला मैया को गोद में नहीं जाओगे, बोले नहीं जाऊंगा, मैया मेरे को मारती है, बाबा मेरे को प्यार करते हैं, मैं तो बाबा को पास में रहूंगा, मैया को पास में एकदम नहीं जाऊंगा। बोले अगर मैया को पास में नहीं जाओगे बताओ दूध कहाँ से पियोगे, दूध तो बाबा के पास में नहीं मिलेगा ना, दूध तो माँ के पास में मिलेगा। बोले पिताजी धारस न दूध में मिश्री मिला करके पिला देंगी। बोले सोओगे कहाँ पर, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे देखे ना जब तक माँ की गोद में नहीं सोते ना नींद नहीं आती है, बच्चों का स्वभाव है, हैं इसलिए कहले सोओगे किसको पास में, बोले बाबा के पास में सो जाऊँगो। बोले खेलोगे किसको साथ में, बोले दाऊ भैया को साथ में, बोले बाबा को माँ के पास में, बोले नहीं जाऊँगा। बोले अगर तुम माँ के पास में नहीं जाओगे ना मैया, अगर ऐसे हो गई तो मतलब अगर मैया मर गई फिर क्या हो गया। जब उन्होंने बोले ऐसे हो जाएगी मर जाएगी, अरे कृष्ण को रहा नहीं गया, वो पूरा बाबा की गोद से खड़े होकर के उन्होंने मैया 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 करते करते सीधा माँ की गोद में जा करके लेट गए। और मैया तो कान्हा को गोद में पा करके फूट फूट करके रोने लग गई, और वहाँ पर जितने ब्रजवासी थे ये लीला देख करके ना सबके सब रो पड़े, सबके सब उन्होंने रो पड़े। इसलिए तृतीय श्लोक में कहते हैं, इति दृक् स्वलीला भिरानंद कुंडे सोभ सम निवजंत माख्यापयतम। कृष्ण ऐसे ही मिठी मिठी, इतने प्यारी प्यारी कृष्ण रोज रोज कुछ ना कुछ नया लीला करते थे, और ब्रजवासी ये लीलाओं को देख करके पूरा दिन रात कृष्ण की चर्चा, ब्रजवासी है ना इनके रोम रोम तो कृष्ण बैठे हुए, दिन भर कृष्ण की चर्चा, कृष्ण कीर्तन, कृष्ण नाम में ही सबके सब ब्रजवासी डूबे रहते थे। ऐसे ही कृष्ण ये ब्रजवासियों को ऐसे ही कृष्ण आनंद समुद्र में डुबो करके रखते थे। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, निताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल की जय। ठीक है, अब लोगों का क्लास खत्म हो गया, रोज माता जी रोज आना, रोज रोज आरती में आ जाना, ठीक है।